हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की फोर्थ लेक्चर में। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स को हम याद रखने की ना ट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, उसके बाद और जितने ग्रुप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, कौन है ये आपकी पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे कितने ग्रुप्स हैं, अरे वर्टिकल कितने ग्रुप्स हैं, ग्रुप 18 है, और पीरियड्स कितने हैं, पीरियड्स 7 है। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे करके मैंने आपको ग्रुप्स याद कराने वाला हूं। ठीक है, एक एक ग्रुप को याद करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप होता है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है, उसे आपको क्या याद रखना है, सबसे ऊपर एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम होता है। ठीक है, ये हो गए। अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, इनको याद रखने की ट्रिक है, HLINA को बोलेंगे हलीना। क्या बोलेंगे, हलीना, हलीना। KRB, के और आरबी को बोलेंगे की रब से फरियाद। क्या बोलेंगे, हलीना होगी कोई लड़की, वो कुछ रब से फरियाद कर रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप। अब आते हैं सेकंड ग्रुप पे। ये आपको ग्रुप्स इसलिए याद करा रहा हूं ताकि आप देखो भैया, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो हमारे को ये पता होना चाहिए ना हमारा कौन सा एलिमेंट कहां पर है, समझ रहे हो? तो यहां पर ध्यान दो, सेकंड ग्रुप आपका क्या आता है, सेकंड ग्रुप आपका आता है लिथियम। जैसे फर्स्ट पीरियड में ना सिर्फ हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे हीलियम होता है, बाकी सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये होते हैं। तो अब जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है वो बीई, Li के फॉलोइंग एलिमेंट है, तो बीई Mg, CaSr, BaRa। तो इसे कैसे याद रखेंगे, इसको याद बच्चों ऐसे रखेंगे, बीई को बोलेंगे बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। बेटा क्या मांग रहा है, कार सेंट्रो। चलो ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं मार रहा, बाप ने कहा ठीक है दिला देते हैं। तो ये क्या लिखेंगे भाई, से बेटा मांगे मांगे कार सेंट्रो बाप, बाप अच्छा नहीं लग रहा, बापू राजी लिख लो। अरे बाप लिख लो यार, किसी को क्या पता कैसे तुमने याद किया है, बाप राजी। ये वाली बात समझ में आई, ये हो गए सेकंड एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। उसके बाद 3 से लेकर के 12 को हम छोड़ेंगे फिलहाल, 3 से लेकर 12 तक को छोड़ देंगे। अब 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 ग्रुप और करने हैं। तो सबसे पहले आते हैं 13 ग्रुप पे। 13 ग्रुप भी वही है, जैसे लिथियम है ना, बेरिलियम है, तो सेकंड पीरियड में बेरिलियम के आगे क्या होता है, बोरॉन। कौन है, बोरॉन। ये रहा बोरॉन, फिर एमजी के साइड में क्या होता है, एल्यूमिनियम, बाल गया इंडिया से थाईलैंड। क्या ये BAL क्या है, बाल, और ये क्या है, गया। IN क्या है, इंडिया, IN क्या है, इंडिया, और TL क्या है, थाईलैंड, THAILAND, थाईलैंड। समझ रहे हो भाई, बाल गया, राया नहीं, बाल गया। उसके बाद 14th ग्रुप आते हैं, कौन सा ग्रुप भाई, 14th, 14th ग्रुप ध्यान देना। जैसे बोरॉन है ना, बोरॉन के ही जस्ट आगे है कार्बन, क्या है उसके आगे, कार्बन, तो बोरॉन के जस्ट आगे आ गया कौन सा, कार्बन सिंह, जी सन ऑफ पंजाब। लग रहा है ना फुल सरदारों वाला नाम, कार्बन सिंह, हाँ जी की नाम थोड़ा कार्बन सिंह। ठीक है भैया, तो ये हो गया कार्बन सिंह, जी। ठीक है भैया, जी लगाना जरूरी है, कार्बन सिंह जी सन ऑफ पंजाब, पंजाब। ओके गाइस, अरे बोल लो रे, 14 हो गया, अब आएगा 15। 15 ग्रुप क्या है, बोलो जी क्या, हाँ 15 ग्रुप किसका है, 15 ग्रुप आपका आता है, दिखाई दे रहा है सी से,
दिखाई तो दे रहा है भाई साहब। चलो नेक्स्ट कौन सा आता है गाइस? 15 ग्रुप होता है, वही जैसे बोरॉन था उसके आगे कार्बन था, कार्बन के आगे जस्ट कौन होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एएस एसबी बीआई, एएस एसबी और बीआई। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया न्यूज, क्या हो गया? ये न्यूज पेपर आज, आज को आज कह सकते हो, कई लोग जो बोलते हैं ना, समझ रहे हो, वो रीजन को भी रीजन बोलते हैं, रीजन रीजन होता है। तो ये आज बोल दो, आज बोल दो, जैसे बोलना है वैसे बोल दो, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। ओके गाइस, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, ये वाला आप समझ गए। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा? ये आपका हो गया 14, 15, फिर 16 आता है, 17 आता है। तो 16 ग्रुप देखो गाइस क्या है, 16th ग्रुप आपका है ओ स से एपो। हाँ ये काम तो हम करते ही हैं, उससे टेपो, ठीक है भाई समझ गए, ओ स से ये क्या है टेपो। ओके गाइस उससे टेपो। 17th ग्रुप पर आते हैं, 17th ग्रुप क्या है? 17th ग्रुप पे यहां ध्यान देना, एफ सी एल बी आर आई ए टी, इसका क्या मतलब होता है? फिर कल, अरे कल के एल से होना चाहिए लेकिन यहां तुम सी एल मान लो, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो यहां पर आ जाओ, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी को ऐसे लिख देते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद आओ बच्चों 18th ग्रुप लिख देते हैं, बस घिचपिचा हो गया लेकिन अपने को बस याद करने से मतलब है। एच के रोमे और कोई नहीं है, लिथियम के रोमे, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, समझ गए ना कॉन्टिन्यूएशन में। नेक्स्ट आपका ग्रुप कौन सा आता है बच्चों? 18th ग्रुप। जैसे हाइड्रोजन के राइट में मैंने क्या बोला, सिर्फ हीलियम है, और हीलियम के नीचे जो नियॉन है ना वो फ्लोरीन के आगे है, समझ रहे हो? तो यहां पर ध्यान देना, हीलियम कौन है? ये हीलियम, फिर उसके बाद कौन? नियॉन, फिर उसके बाद कौन? आर्गन, फिर उसके बाद कौन? के आर एक्स ए आर एन। इसको कैसे याद रखेंगे? हीना नीना और करीना, सारी हीरोइनें हैं, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, वैसे एक्सरे ब्लैक एंड व्हाइट होता है लेकिन इनका एक्सरे भी रंगीन है भाई, समझ रहे हो, कलरफुल दुनिया एकदम। तो ये कौन है? ये है हीना, फिर ये नीना, नाम भी भाई साहब ऐसे ही है, और कैटरीना, नहीं बेटा तो कैटरीना की याद आ रही है तेरे को, करीना करीना, कैटरीना बाद में आई है काफी, का भी तो लगा लो, एक्सरे रंगीन, वाह भाई साहब वाह, असली रंगीन दुनिया तो 18वें ग्रुप में, रिएक्ट नहीं करते किसी से, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स है, मेरा जो यहाँ पे मोटो है वो मोटो क्या है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि 3 से लेकर 12 ग्रुप हमने छोड़ दिए, 13 से लेकर के 18 तक आपको याद कराना, और फर्स्ट और सेकेंड याद कराना, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप में है, हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड 18 में है, बाकी सारे सेकंड पीरियड से स्टार्ट है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन, ये सारे एक लाइन में है। उसके बाद नीचे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ये सारे एक लाइन में, इज दैट क्लियर? आप इसे फटाफट, जिसे कहते हैं फटाफट नोट करेंगे। चलो बच्चों, जैसा कि हमने सारे जो मैं आपको बता रहा था बार बार कि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है, ठीक है, अगले सेकंड पीरियड में क्या है, सेकंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। मेरी बात आप छोटी सी सुनना, बस छोटी सी एक बात है कि हाइड्रोजन को मैं इस ग्रुप का नहीं मानता। इन 10th क्लास लास्ट ईयर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा,
ठीक है, ये हाइड्रोजन जो होता है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट नहीं होता, हाइड्रोजन फर्स्ट को भी क्योंकि रिजेंबल करता है और 17th को भी रिजेंबल करता है, तो ना तो मैं इसे फर्स्ट का मानता हूं ना इसे सेकंड का मानता हूं। तो फर्स्ट ग्रुप में पहला एलिमेंट मैं लिथियम को मानता हूं, और सेकंड से लेके 17 तक तो फर्स्ट ग्रुप, वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट बेरिलियम बोरॉन यही सब है, और यहां पे भी मैं फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हीलियम को नहीं मानता, अरे फर्स्ट मेंबर इसका हीलियम को नहीं मानता। तो चेक करना हर ग्रुप का पहला मेंबर कौन सा हो गया, जैसे फर्स्ट ग्रुप का लिथियम हो गया, सेकंड ग्रुप का बेरिलियम होगा। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, मेरी बात नहीं समझ रहे, समझो अब यहां ध्यान देना। जो तुम्हारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं, पहला मेंबर है हर ग्रुप का, इसकी अपने ग्रुप के मेंबर से प्रॉपर्टी ज्यादा मैच नहीं खाती। अरे बोल लो, जैसे हर घर में एक एंटिक पीस होता है ना, हर घर में एक एंटिक पीस होता है भाई साहब, उसका बिहेवियर अलग ही होगा, क्यों अलग होगा ये नहीं पता, लेकिन उसका बाकियों से बिहेवियर अलग होगा। तो इन ग्रुप्स में वो मेंबर पहले वाले मेंबर है, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं खाती, इसकी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं खाती, भैंस की पूछ, जब तेरी प्रॉपर्टी इनसे मैच ही नहीं खाती फिर तू इस ग्रुप में है क्यों? वो इसलिए है क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं खाती, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खाती, सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं खाती। तो इनका मैं कहता हूं कि एंटिक बिहेवियर है, अरे एंटिक बिहेवियर तो मैं बोल रहा हूं, बाकी बोलते हैं इसे एनोमलस बिहेवियर। फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है, हैव समवॉट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से उनका एनोमलस बिहेवियर आया। समझ में आई? तो यहां ध्यान देना, इसको मैं कह दूंगा भाई तू अलग है, तुम सब क्या हो, तुम सारे अलग हो, तुम अपने ग्रुप से मैच नहीं खाते। हाँ मेरी बात सुनना, इनफैक्ट ये इससे तो मैच खाता नहीं, किससे मैच खाता है, जो इसके बाद वाला ग्रुप है उसके सेकंड मेंबर से, कि तुम्हारे अपने घर वालों से बनती नहीं, पड़ोस के दूसरे वाले बंदे से तुम्हारी बड़ी बन है, ओहो वाव दोस्ती फ्रेंडशिप, समझ रहे हो? तो यहां ध्यान देना, इससे बनती नहीं इनकी, किससे बनती है, अगले ग्रुप के मैग्नीशियम से। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। अरे बोल लो भाई, अरे डायगोनल टाइप हो गया ना, मेरी बात दोबारा सुनो, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रही। मैंने क्या कहा, लिथियम की इनसे नहीं बनती, लिथियम की फॉलोइंग ग्रुप के सेकंड मेंबर से बनती है। इस हिसाब से बेरिलियम की किससे बननी चाहिए, वेरी नाइस, बेरिलियम की बननी चाहिए एल्यूमिनियम से, एंड बोरॉन की बननी चाहिए, इज दैट क्लियर? तो मैं आज आपको दो चीज पढ़ाने वाला हूं, पहला पढ़ाने वाला हूं एनोमलस बिहेवियर, समझ गए, दूसरा क्या पढ़ाने वाला हूं, दूसरा पढ़ाने वाला हूं डायगोनल रिलेशनशिप, इज दैट क्लियर? डायगोनल कह लो, डायगोनल कह लो, डायगोनल, ठीक है भैया, ये बात समझ में आई? तो अभी मैं इनको जो मैंने आपको बताया वो डेफिनेशंस में लिखने जा रहा हूं, आपको वो चीजें लिख लेनी है। आपको क्या बताया, देखो रीजन क्या है कि इसकी इनसे क्यों नहीं बनती, वो अभी मैं समझाऊंगा, रीजन क्या है वो समझाऊंगा। फिलहाल तुम्हारे को एक बात याद रखनी है कि फर्स्ट मेंबर की अपने रेस्ट अदर मेंबर से प्रॉपर्टी मैच नहीं खाती, दूसरा इस पहले मेंबर की फॉलोइंग ग्रुप के सेकंड मेंबर से खाती है। तो दो की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, बाद में उसके रीजंस लिखूंगा, इज दैट क्लियर? ओके आप इसे लिख लो फिलहाल। हाँ बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको अभी ये बताया कि पहला मेंबर जो होता है ना हर ग्रुप का, वो अपने एलिमेंट्स अदर मेंबर के साथ मैच नहीं खाती प्रॉपर्टीज उसको, तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस प्रॉपर्टीज। और ये वो डेफिनेशन है जो अगर आपका पेपर में आता है तो आपको लिखनी है। क्या, इसको पढ़ के देख लेते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट, ई एल ई एम ई एन टी, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप, कहां से कहां, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सेकेंड ग्रुप में बेरेलियम, और 13 से लेके 17 ग्रुप में बोरॉन टू फ्लोरीन। समझ गए, मतलब फर्स्ट में लिथियम, सेकंड में बेरिलियम, और 13 से लेके 17 तक बोरॉन टू फ्लोरीन। 18th ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे, वो नोबल गैसेस का है। बोलो जी, तो यहां पर ध्यान देना, डिफर्स दीज ऑल एलिमेंट डिफर्स इन मेनी रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा सारे में, अरे बोलो भाई सारे में नहीं है,
डिफर्स इन मेनी रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर एलिमेंट, ईएलटी क्या है, एलिमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। जैसे लिथियम अपने ग्रुप के एलिमेंट से डिफर कर रहा है, अरे बोलो, बेरिलियम अपने ग्रुप से। सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। बात समझ गए या कोई समझने में दिक्कत है अभी? बोलो जी, अब मेरी बात को सुनो, तसल्ली से सुनो। नेक्स्ट, अब इनके उनके बन रही ग्रुप के सभी मेंबर से बन रही है, समझ गए? तो यहां ध्यान दो, इस टाइप ऑफ बिहेवियर को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहां ध्यान दो, क्या है, द बिहेवियर ऑफ, यहां पे क्या मिस हो गया बच्चों, ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। जो लिथियम और बेरिलियम का जो बिहेवियर है ना, इज मोर सिमिलर विद सेकंड एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। अरे बोलो भाई, इज मोर सिमिलर विद सेकंड, ये फर्स्ट है ना, सेकंड एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब जो आगे आया, नेक्स्ट है ना, ऑफ फॉलोइंग ग्रुप, दैट इज लिथियम का किससे है, मैग्नीशियम से, और बेरिलियम का किससे है, एल्यूमिनियम से, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा है, ताकि आप ये ना समझ जाओ कि लिथियम का एल्यूमिनियम से और बेरिलियम का मैग्नीशियम से है। अरे समझ रहे हो? तो यहां पर ध्यान देना, दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। रीजन क्या है कि इनकी इससे तो बन नहीं रही, लेकिन इसकी इससे बन रही है, इसका रीजन क्या है, ये रीजन मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। जैसे कि लिख दूं यहां पे, तो यहां लिखो रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर। आपको एक मस्त सी चीज समझाऊंगा, आपको समझ आए ना आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इनकी बाकियों से क्यों नहीं बन रही, इसको मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, सारे लोगों के पास फोन होता है, छोटे बच्चों पे होता है, छोटे बच्चे कितने मान लू मैं, 3-4 साल के मान लू, 4-5 साल के, इन पे फोन होता है नहीं, 3-4 साल पे नहीं होता, पर्सनल नहीं होता ना। अरे यार तुम्हारी अलग रही सी है। जनरली हमारे यहाँ तो बच्चे को 5वीं 6वीं से पहले फोन नहीं देते, आजकल स्कूल का काम होने लग गया है तो 5वीं 6वीं में देना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान देना, 3-4 साल बच्चे के पास फोन नहीं होता, फोन नहीं, अच्छा फोन उन्हें किस लिए चाहिए, गेम खेलने के लिए, समझ रहे हो, इसलिए हम उन्हें फोन देते नहीं। तो पहली बात, उनके पास फोन नहीं होता, अच्छा फोन क्यों नहीं होता, रीजन क्या है, रीजन सिंपल इतना है कि वो छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो फोन देंगे, चाहे वो गेम खेले या ना खेले। तो पहली चीज, उनके पास फोन नहीं है, और फोन ना होने का रीजन क्या है, क्योंकि उनका साइज छोटा है। अच्छा फोन ना होने का उनके पास गुस्सा है या उस बात से वो खुश है, फोन ना होने से वो खुश है, वे क्या गरीबी है यार, उन्हें पता ही नहीं है, फोन ना होने से वो गुस्सा हो जाते हैं। मान लो अगर वो आपसे फोन मांग रहे हैं, मैं लगा फोन दे दो, और तूने फोन नहीं दिया, फिर वो गुस्सा नहीं हो जाएंगे, फोन चाहिए मेरे को, समझ रहे हो। अब वो बहुत गुस्सा करेगा, रोएगा, तो आप उसे दे ही दोगे। तो पहली बात, उनके पास फोन नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि वो छोटे हैं, और इस बात का उन्हें बहुत गुस्सा है। गुस्से को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, समझ रहे हो बात को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ गए। तो और यहां पे फोन को रिप्रेजेंट करूंगा मैं डी ऑर्बिटल से, फोन को किससे करूंगा, डी से। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप के, ये जो किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर है ना, इनके पास पहली बार डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्या नहीं होता, क्यों नहीं होता, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। जो फर्स्ट आपका वो होता है, फर्स्ट पीरियड होता है, इसके पास कौन सा वो होता है, क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, सिर्फ 1s होता है, जबकि इनके पास क्या होता है, सेकंड पीरियड में 2s और 2p होता है, थर्ड वाले में क्या होता है, 3s, 3p और 3d। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, डी ऑर्बिटल। अरे बोलो भाई, तो फोन ना होना इनके पास कि डी ऑर्बिटल ना होना, क्यों नहीं है, क्योंकि वो छोटे हैं, और इस बात का उन्हें बहुत गुस्सा है, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्यों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बताऊं, क्योंकि लिथियम की अगर मैं बात करूं, तो लिथियम में 3 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, क्या आप इसका 1 इलेक्ट्रॉन इजीली खींच लोगे, कैसी पोपलों वाली बात कर रहे हो भाई साहब, बच्चा माँ बाप के पास है, समझ गए, बोलो। तो इस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत अच्छा है,
और जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे सकता वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझ गए? तो मेरी बात सुनना, इनके डिफरेंट प्रॉपर्टी होने का रीजन, पहली बात एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और क्यों एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, बिकॉज दे आर स्मॉल, समझ गए, एंड दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो रीजन लिखेंगे फटाफट फटाफट, क्या रीजन लिखेंगे, क्या रीजन है भाई, पहला रीजन फर्स्ट क्या है, देयर स्मॉल साइज, देयर स्मॉल साइज, अरे बोलो भाई छोटे हैं। सेकंड रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑफ डी ऑर्बिटल, अरे बोलो, और डी ऑर्बिटल इनके पास नहीं है जिसकी वजह से इनकी हाई, हाँ इनका क्या है, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। ओके गाइस, चौथा रीजन आपको समझ जल्दी नहीं आएगा, चौथा रीजन समझ जल्दी नहीं आएगा, तो चौथा रीजन समझने के लिए थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। ऐसे भाई आपको ऐसी वाली तपस्या नहीं करनी, यहां ध्यान दो। तपस्या क्या है, जैसे आप सारे बच्चे जानते हो लिथियम है आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम है आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम है उसके भी आउटर मोस्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं इन तीन एलिमेंट के हेल्प से आपको ये चौथा पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा, ध्यान दो। ये रहा बेटा लिथियम, लिथियम लिथियम पे यू गाइज नो के शेल होती है, एल शेल होती है, दो कॉमा एक इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो। और सोडियम पे क्या होता है बेटा, सोडियम पे होता है के एल एम 281। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वन पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो लिथियम के पास कितनी शेल रह जाएंगी, अरे तीन प्रोटॉन है, तो वन प्लस चार सिर्फ किस पे रह जाएगा, के शेल पे, मानते नहीं मानते। और वही अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वन प्लस चार्ज कौन सी शेल पे रह जाएगा, 11 प्रोटॉन्स, तो ये रह जाएगा के पे दो इलेक्ट्रॉन और एल पे वन प्लस, एल पे आठ इलेक्ट्रॉन, मानते हो नहीं मानते, अरे बोलो। अब मेरी बात को सुनो, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि दो परिवार हैं, दो परिवार हैं, इनकी भी फैमिली इनकम 1 लाख पर मंथ है और इनकी भी फैमिली इनकम 1 लाख पर मंथ है, बताओ कौन ज्यादा अमीर है, ये दो अलग अलग परिवार है, कौन ज्यादा अमीर है, दोनों एक एक लाख रुपए कमाते हैं महीने, फैमिली इनकम एक एक लाख रुपए, बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है क्या, अबे पोपलू 1 लाख 1 लाख इनकी इनकम है, तो अगर एक एक लाख रुपए इनकम है तो दोनों में से कौन अमीर है, सेम अमीर है, ये बात समझ नहीं आ रही क्या, गधे कहीं के। यहाँ पे दो लोग रहते हैं, दो पर्सन, और यहाँ पे 10 पर्सन रहते हैं, बोलो जी काका, तो ये ब्रेन आपके पास चलो मान लिया कि नहीं है, अब ये बात रिलेट कर पा रहे हो कि दोनों इक्वली अमीर, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम थोड़ी ज्यादा है 50,000 पर मंथ और यहाँ पे 10,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ में ठीक ठाक वो अपने आप पे खर्चा कर सकते हैं, 10,000 पर मंथ में रोटी दाल मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, समझ गए बात। तो मेरी बात सुनना कि जैसे यहां पर दोनों के ऊपर 1 लाख 1 लाख इनकम है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अलग अलग होने की वजह है, वजह से ये कम अमीर और ये कम अमीर है, ठीक है भैया। अब मेरी बात सुनो, यहां पे भी 1+4 आया एक इलेक्ट्रॉन लूज होने से, लेकिन ये 1+4 आया के शेल पे, मेरी बात सुनना किस पे आया, के शेल पे, लेकिन यहां पे भी 1+4 आया, ये किस पे आया, के पे नहीं आया, ये आया एल पे, तो तुम बताओ चार्ज डेंस कहां ज्यादा होगा, के पे या एल पे, डेंस का मतलब कि चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज ज्यादा कहां होगा, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, भाई बोलो, के पे ना, क्यों, क्यों, क्योंकि के शेल छोटी है। क्या मैं ये बात कहूं कि Li एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये Li प्लस आयन है, कौन सा आयन है, Li, अरे बोलो, बोलूं कि ना बोलूं कि Li प्लस आयन है, और ये कौन सा आयन है,
Na प्लस आयन, चेक करके देख दोनों पे वन प्लस चार्ज ही है, लेकिन चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा है Li प्लस पे, वाई बिकॉज साइज ऑफ Li प्लस इज स्मॉल, नहीं आई बात, साइज ऑफ फैमिली इज स्मॉल, दैट्स व्हाई पर कैपिटा इनकम, यहां पे साइज ऑफ फैमिली क्या है, फैमिली से जिला घोषित कर दो भाई सही बात को, ये क्या चल रहा है, 10 लोग एक परिवार में, समझ रहे हो, तो मेरी बात सुनना, ये आपका Li प्लस, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वाई बिकॉज बी, दिख रहा है, दिख तो रहा है, मान लेते हैं कि दिख भी रहा है, तो मेरी बात सुनना, सरफेस चार्ज डेंसिटी डेंसिटी ऑफ लिथियम प्लस इज मोर बिकॉज इट साइज इज लेस, और यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से साइज इसका, मतलब क्योंकि साइज इसका बड़ा है, तो यहां ध्यान देना, इनका सब कुछ हाई है, इनका सब कुछ क्या क्या सिवाय साइज को छोड़ करके, छोटा साइज जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल नहीं, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, अरे भौंक भी दो, हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि नहीं है, मानते हो नहीं मानते, तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं एक वर्ड से रिलेट करूंगा, किससे रिलेट करूंगा, चार्ज टू साइज रेशियो, किससे रिलेट करूंगा, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चेक करके देख, चार्ज दोनों में सेम है, इसमें भी और उसमें भी, लेकिन साइज जिसका छोटा होगा उसका चार्ज टू साइज ज्यादा आएगा ना, अरे डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो वैल्यू सॉल्व होके बड़ी आएगी, अरे काका 1/2 बड़ा है या 1/10 बड़ा है, बोलो 1/2 बड़ा है ना भाई, 1/2 हुआ 0.5 और 1/10 हुआ 0.1, तो जिसका साइज बड़ा है सेम चार्ज होने पर भी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम, नहीं आई बात समझ, पक्का, तो ध्यान देना ये रीजंस है इसके, पेपर में आता है व्हाट आर द रीजन फॉर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, क्या रीजन है, पहला स्मॉल साइज है जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या फिर यू कैन से हाई चार्ज टू साइज रेशियो है, और साइज बड़ा तो रेडियस भी तो बड़ा होगा, अरे तो चार्ज टू साइज रेशियो बोलो, हाई या चार्ज टू रेडियस रेशियो बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग, नहीं आई बात समझ, ठीक है, आप इसको लिखो, मैं ये वाला पोर्शन सिर्फ मिटाने जा रहा हूं, सिर्फ ये वाला पोर्शन मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, इसे जल्दी से लिखो, तो बच्चों यहां ध्यान देंगे, इनका स्मॉल साइज था, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी है, देखो तीनों बातों से सेम चीज निकलेगी, चाहे आप हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलो, चाहे हाई चार्ज टू साइज रेशियो बोलो, चाहे हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो बोलो, अरे तीनों सेम बात है भाई, तो यहां पर आप लिखो हाई हाई चार्ज टू साइज रेशियो, ओके गाइस, अरे बोलो, या फिर ये बात भी सेम होगी क्या, हाई चार्ज टू रेडियस, अरे साइज उसी का तो ज्यादा होगा जिस एलिमेंट का रेडियस ज्यादा होगा, या फिर ये भी वही बात होगी, हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलो भाई, हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी है, इज दैट क्लियर, राइट इट फटाफट, ओके, चलो भाई यहां ध्यान देना, नेक्स्ट आता है, जैसे 11 एटॉमिक नंबर था, नाम दिया सोडियम, 12 था, नाम दिया मैग्नीशियम, तो ऐसे अपने ना जब 100 तक ये नाम दे चुके थे तो इनको नाम नहीं मिल रहे थे, और नाम याद रखना एक टास्क हो गया था, समझ गए, फिर उन्होंने क्या किया, एक आयुपैक सिस्टम निकाला जिसमें हमारे को एलिमेंट के नेम याद रखने की अलग से क्लास नहीं लगानी पड़ेगी, कि बेटा यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट याद होने चाहिए, अब नंबर देख करके आप उसका नाम बता दोगे, कैसे, यहां पर ध्यान दो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको इन्होंने आयुपैक नोटेशंस दे दी, क्या आयुपैक नेम में इनको क्या बोला, 0 को बोला इन्होंने निल, क्या बोला निल, ऐसे ही बाकियों को भी बोला, क्या 1 को बोला अन, 2 को बोला बाय, 3
थ्री को बोला ट्राई, चार को बोला क्वाडनी क्वाड, पांच को पेंट, छह को हेग्ज, और वैसे तो सात हेप्ट होता है लेकिन क्योंकि एच और एच सिंबल सेम ना हो इसलिए इसको क्या बोल दिया सेप्ट, आठ को ऑक्ट और नौ को नॉन नहीं बोला क्योंकि नॉन बोलते तो एन निल का सेम हो जाता तो उन्होंने क्या बोल दिया एन। ठीक है भैया, इसको नोटेशंस दी एन, इसको दी यू, इसको दी बी, इसको टी, इसको क्यू, इसको पी, इसको एच एस ओ ई। ओके गाइस, अब बात सुनो, मान लो आपका नंबर है 107 तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वन, क्या होता है अन, अन, अब ऐसा नहीं है कि अन के बाद ये एन आ गया तो अब मेरे को निल लिखना है ना, तो निल का एन ना लिखो, जो है वो एज इट इज आएगा, मतलब ऐसे कोई रूल नहीं डाले कि पहले एन आ गया तो बाद वाले एन को ऑमिट कर दो या कर दो वो कर दो, समझ रहे हो, आईयूपीएसी नेम में कार्बन कंपाउंड के तो था ये सब ड्रामा, तो अन फिर उसके बाद निल विदाउट गैप सेप्ट, और हर कंपाउंड के जो भी आपने एलिमेंट लिखा हर एलिमेंट के लास्ट में आ जाता है ईएम, तो नाम क्या हो गया इसका अनिल सेप्टियम, समझ गए, और इसका सिंबल क्या हो गया, सिंबल वही इसका हो गया फर्स्ट वाले का यू एन एस। ओके, अब आपको मान लो एलिमेंट लिखना है, अरे बोलो भाई बोलो वो हाँ, तो ये समझ में आया अनिल सेप्टियम, तो ये आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। अब आपको कोई सा भी लिखना हो, अब मान लो आपको 127 लिखना हो, वैसे 127 नहीं होता लेकिन मान लो अगर लिखना हो तो आप इसे क्या लिखोगे अन बाय सात हटा आठ ला अनिल अन बाय ऑक्टियम, तो ये क्या हो गया गाइस यू बी ओ, वाओ समझ गए, इसको जल्दी से लिखेंगे फटाफट लिखेंगे इसको, ये मैंने थोड़ी गिराया, चलो बच्चों चलो बच्चों यहां ध्यान देना, अबे आज हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और क्वेश्चन आंसर की सेशन होगा, ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में, ओके बाय बाय।